SBS to my lovely home. तो ये मेरा छोटा सा क्यूट सा घर है और आई नो आप लोगों ने सुहाना को देखा है बहुत बार, ये रिश्ता क्या कहलाता मैं आजकल बहुत परेशान करती है लोगों को, पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कृतिका कैसे अपने यू नो रियल लाइफ में रहती है, वो कैसी है, अपना दिन का शुरुआत कैसे करती है। ऐसी सुबह आँख खुलती है मेरा हाथ जाता है मेरे फ़ोन पे, सो दैट्स माय फ़ोन, और सबसे पहले उठ के मैं अपना एक फेवरेट कॉर्नर है मेरा इस घर में वहाँ जाती हूँ और फ़ोन चेक करती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ। तो बिफोर मैं आपको वो अपना फेवरेट स्पॉट दिखाऊँ, पहले हम ग्रीन टी बना लें। मेरा फेवरेट कोना, माय फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जहाँ पे मेरे प्लांट्स भी मेरे साथ रहते हैं और यहाँ से एक अच्छा सा व्यू दिखाई देता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है एवरी मॉर्निंग ये चीज़ें देखना। रोज़ रोज़ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है बिकॉज़ रोज़ शूटिंग रहती है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मैं घर पे हूँ या फिर चाहे मैं शूट पे हूँ, तो मैं अपने रूम में बैठती हूँ। अगर अकेला थोड़ा टाइम मिलता है तो 15 मिनट्स मैं मेडिटेशन करती हूँ। का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लाइट्स लगती है और तान्या ने ये लाइट्स चूज़ करी थी। तान्या आपको पता है कौन है, सो ये लाइट्स तान्या ने चूज़ करी है। सो मुझे ये सेटअप अच्छा लगता है बिकॉज ये आइडिया मेरी मॉम का था, ये लाइट्स तान्या के आइडिया था, एंड दैट्स द डाइनिंग टेबल। फिर मेरे लिए ये इस ड्राइंग रूम का सबसे मेजर पार्ट इज दिस मिरर। ये मेरी जिद थी कि इस घर में सबसे मिरर एक बड़ा वाला लगाना चाहिए, तो हमने एक बड़ा वाला मिरर लगाया, तो ये मेरा आइडिया था। फिर ये मेरी फ़ोटो है। सो देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे कॉलेज में था तो उसने मुझे ये मेरे बर्थडे पे दिया था, और ये टाइल पे बना हुआ है, तो ये कोई फ्रेम नहीं है, ये टाइल है। सो दैट वॉज समथिंग यूनिक। फर्नीचर हमने ही सोचा था कि हम ऐसा वील कीप ये ऐसा थीम कि हम लोग ब्लैक वुड का चीज़ें रखेंगे। सो ये शैंडलियर है जो मैंने चूज़ किया था, तो ये मेरा है, ये मेरा आइडिया है एक्चुअली। ये जब मैं आई गेस जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो हमारे डैड के ऑफिस में एक फंक्शन होता है, तो वहाँ पे मेरी और तान्या की हमने क्लिक करी थी। काफ़ी कम पिक्चर्स हैं मेरी और तान्या की जो इतनी अच्छी आ जाती है, नहीं तो कभी वो अच्छी लगती है कभी मैं अच्छी लगती, तो ये पिक्चर बहुत अच्छी है और ये तान्या ने मुझे मेरे बर्थडे पे फ्रेम करा के दी थी। ये मेरी माता श्री हैं, इनसे तो काफ़ी मिले हुए हो, हमेशा तान्या के साथ मिलते हो, आज पहली बार शायद मेरे साथ आ रही है। तो ये मेरी मॉम है, इन्होंने घर को सजाया है और ये घर जैसा भी है वो इनकी वजह से, अच्छा बुरा दोनों इनकी वजह से है। अच्छी है कृतिका, बहुत अच्छी है, मतलब ये बचपन से एक्ट्रेस है एक्चुअली। मैंने पढ़ाई भी करी है, मैंने जी में जॉब भी करी है, अब पोस्ट ग्रेजुएट, हेलो MBA किया है इसने, पढ़ाई की है पूरी, और बीच में गैप लिया है और ऑडिशन देती रहती थी, और अब जाके इसको थोड़ी सी खुशी भगवान ने दे दी है, और मैं चाहती हूँ कि आगे मिलती ही रहे। ओह मेरी मॉम ने अच्छा डायलॉग बोला। क्लासिकल डांसर है, बहुत अच्छी कथक डांसर है, बूगी बूगी विनर है, 7 ईयर्स में बूगी बूगी विन किया था, तब से ही हम लोग बॉम्बे आए हैं उसके जस्ट बाद से। सो दैट्स द गर्ल्स रूम, हमेशा जो पिंकिश रहता है।
तो वो तो रहेगा ही. और मैं आपसे अपना वॉच कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ. तो ये जो वॉच कलेक्शन है वो मेरा और मेरी बहन तान्या शर्मा जो है उसका है. सबसे ज़्यादा स्पेशल वॉच मेरे लिए ये वाली है, बिकॉज़ ये वाली वॉच मुझे अभी मेरी बहन ने मेरे बर्थडे पे दी है. सो मेरा बर्थडे था 10 अप्रैल को. सो ये वाली वॉच तान्या जब दुबई गई थी सबसे पहली बार तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे, तो मेरे लिए ये वॉच लेके आए थे. एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो अगर मुझे इसने अभी आदत डाल दी कि पहले पहले ये बड़ा बहन बन के सब कुछ जो भी उसको पहन के चले जाती थी, लेकिन अभी वो अच्छी हो गई है. मतलब वो पूछती है कि अगर देखो ये पहननी तो नहीं है ना, तो मैं पहन के जाऊँगी क्योंकि मैं इसकी फिर जान खा लेती हूँ. लाइक अ छोटी बहन मैं उसकी जान खा लेती हूँ, इसलिए वो अभी सेफ प्ले करती है कि ठीक है पूछ के जाओ, ये नहीं पहननी तो अच्छा ये पहन लेती हूँ मैं. इवन अगर हमें कपड़े में भी डिसाइड करना होता है कुछ भी, तो हमेशा तान्या से सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि अच्छा लिसन यू डोंट हैव टू वेयर दिस ना टुडे, कैन आई वेयर. झूठी है ये, तो बिल्कुल नहीं करती कपड़ों में, तो बिल्कुल नहीं करती. चलो वॉचेज आई अग्री, कपड़े में भी आई डू समटाइम्स, बिकॉज तान्या इज वेरी स्मार्ट. मतलब जब भी हमें कहीं बाहर जाना होगा शी नोज कि व्हाट आई वांट टू वेयर, सबसे पहले उठा के ओके लिसन आई एम वेयरिंग दिस. सो वो पहले उसे ले लेती है, देन आई हैव टू सर्च फॉर अनदर. फिर वो मुंह सड़ा करती है, फिर मुझे क्रैंकी, फिर हाँ वेरी स्टूपिड वेरी ग्रम्पी. तो इसलिए मुझे फिर उसके लिए एक नई ड्रेस निकालनी पड़ती है अपनी, जो मैंने ब्रांड न्यू कभी पहनी नहीं है. ताना नेवर फॉलो इसके नए नए कपड़े में चुपके से पहन के चली जाती है, सारे मेरे कपड़े पहन लेती है. और फिर उसके बाद दैट रूल इज ओनली फॉर मी, दैट रूल इज नॉट फॉर ताना. सो नाउ नाउ डेज आई डू लाइक आई वेयर वॉट एवर आई वॉन्ट टू वेयर. ये चिल्लाती रहती है चिल्लाने. आई वॉज अ वेरी बैड सिस्टर आई गेस बचपन में. एक बार मुझे याद है कि इसने मेरी बुक वुक फाड़ दी थी या समथिंग शी रोट इन माय बुक, और मुझे जो गुस्सा आया था ना, मैं ताना के मम्मी पापा नहीं जिसने फायदा उठाया, तो मैं ताना के ऊपर बैठी थी. सो शी इज 3.5 years यंगर टू मी. सो आप सोच सकते हो उसका साइज क्या होगा तभी. एक दिन मैं बाहर गई थी और दोनों को छोड़ के गई हुई थी, तो देख रही हूँ क्या मतलब वो रो रही है और ये इसके मुँह में दूध का बड़ा चम्मच लाइक ये करके डाले जा रही है. मैंने कहा ओ गॉड ये तो इसको मारेगी. एक्टिंग की जर्नी वॉज अगेन, जैसे मैंने बोला था मैं डांसर थी बचपन से, मॉम ने क्लासिकल डांस सिखाया था, कथक डांसर हूँ मैं. बुगी बुगी में हमने ट्राई किया, मैं क्लियर किया मैंने, फिर मुंबई आए हम तो हम जीत गए एंड तब से ट्राई कर रहे हैं. सो इट्स बीन आई गेस 16-17 years जो हम लोग मुंबई में हैं ना. या 16-17 years वी आर हियर एंड बहुत ही पकाया इसने. पहला आई वाज आई गेस मुझे टाइम नहीं लगा था जब नो नो इट वाज नॉट डम डम इट वाज के स्ट्रीट पाली हिल. वो मेरे को सबसे मेरा पहला स्टार प्लस पे के स्ट्रीट पाली हिल आता था, तो इसमें जो लीड थी उसके बचपन का रोल मुझे मिला था बिकॉज उन्हें सम फ्लैशेस चाहिए थे. सो वो मिला था, तो दैट आई विल नेवर फॉरगेट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ माई जर्नी. मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ग्रे शेड कभी नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कि यार मेरा फेस देखो किसको लगेगा कि मैं नेगेटिव कर पाऊंगी, मैं किसी के साथ बुरा कर सकती हूँ, है ना तानिया. No comments. You know, yeah, I'm so sweet. His looks are very deceptive. ये innocent स्वामी टाइप सी लगती है, लेकिन है ये बड़ी ही बहुत ही परेशान करने वाली चंट. मैं बड़ी बहन है, I'm चंट according to my sister, but I'm not. So
हम पहुंच चुके हैं रेडिसन, जहाँ पे मैं मेरी बहन को लेके आई हूँ लंच डेट पे। लोगों को पता होगा कि तान्या को चॉकलेट पसंद नहीं है। तान्या को वाइट चॉकलेट पसंद है, या तो पाइनएप्पल फ्लेवर का कुछ भी दे दो वो खा लेगी, या तो फ्रूट केक जो यहाँ पे है। तान्या ऐसे मैं बिताती हूँ मेरा दिन जब मैं घर पे रहती हूँ। तो सुबह मैंने मेरे मॉम के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बहन के साथ थोड़ी मस्ती करी, और अब मैं आपको यहाँ लंच पे लेके आई। तो आई होप कि आपको ये दिन मेरे साथ बिताना पसंद आया होगा, एंड आई होप कि हम दोबारा मिलते रहे, दोबारा ऐसी फन चीज़ें करते रहे। तब तक के लिए बाय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।